समझा स्टार्ट करेंगे फर्स्ट पॉइंट से, रीडिफाइन अकाउंटेबिलिटी। हम जब अकाउंटेबिलिटी की बात कर रहे थे तो वी आर ऑलवेज थिंक अबाउट इट्स अबाउट फियर फैक्टर, इट्स अबाउट देयर सम नेगेटिव टर्म्स। क्या रीडिफाइन करने का पर्पस ये है कि हम रीडिफाइन करके अपनी डिक्शनरी को इम्प्रूव कर सके, अपनी वोकैबुलरी को इम्प्रूव कर सके, कि अकाउंटेबिलिटी इट्स मीन अबाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट्स अबाउट टू टेक समथिंग सीरियस। अकाउंटेबिलिटी का जब फैक्टर आता है तो हम एक बहुत ज्यादा एक चीज लेते हैं एंड वी आर ऑलवेज थिंकिंग अबाउट कि जी अकाउंटेबिलिटी मीन्स कि शायद हमें कोई ऑडिट करे। बट मैं हमेशा अपनी ट्रेनिंग में भी एक बात कहती हूँ कि हमें अपना सेल्फ ऑडिट करना चाहिए। एट द एंड ऑफ द डे अगर हम अपनी हैबिट बना लें कि हम रात को सोने से पहले अपने आप को सेल्फ ऑडिट करें ऑन प्रोफेशनल बिहाफ एंड पर्सनल बिहाफ, कि हमने आज अपनी पर्सनल लाइफ में क्या कुछ गेन किया, क्या पॉजिटिव थिंग्स थी, क्या नेगेटिव थी, क्या और क्या चीज हमारे लिए इम्प्रूवमेंट का चांस हो सकती है। और ऑन द अदर साइड अगर हम प्रोफेशनल लाइफ में भी देखें तो हम ये बहुत सीरियस नोट में देख सकते हैं कि हमारे टास्क कार्ड क्या थे, हमने क्या चीज ऐड की, क्या उसमें पॉजिटिव पॉइंट ऐड किया, क्या नेगेटिव चीज थी जिसको हमें कम करना चाहिए। वन मोर थिंग, अगर हम देखें तो रिस्पॉन्सिबिलिटी का फैक्टर की जब बात आती है तो इट्स मीन कि हम उसको ऑन कर रहे होते हैं। अकाउंटेबिलिटी में वही चीज है कि आप उस चीज को सीरियस ले लें, अपने काम को आप खुद अकाउंटेबल है उस चीज के कि जो आपने काम किया है क्या वो आपने उतने जॉब को टास्क मिला था। यहाँ पे हम सेल की एग्जाम्पल लेते हैं, अगर सेल्स की टीम को एक टारगेट मिलता है और वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन करती है कि ओके फाइन इतने टाइम में हमें ये टारगेट अचीव करना है। अकाउंटेबिलिटी क्या है कि वो उस टारगेट को अचीव करने में जो चीज जो वे अडॉप्ट करती है वो उसके अकाउंटेबल होते हैं कि क्या उन्होंने उसी वे से वो टारगेट अचीव किया जिस वे से उनको जो एसओपी एलोकेट किए गए थे। एक और चीज यहाँ आती है कि हमें ये अकाउंटेबिलिटी का फैक्टर को कोई पॉइजन कंसिडर नहीं करनी चाहिए कि इट्स अबाउट नेगेटिव थिंग्स। अगर हमने अकाउंटेबिलिटी का फैक्टर इस्तेमाल किया तो हमने अपनी पर्सनैलिटी या अपनी रिस्पेक्ट को उसको क्वेश्चन मार्क कर दिया। अगर हमने अपनी अकाउंटेबिलिटी खुद की होगी अपनी लाइफ में तो डेफिनेटली किसी और को क्वेश्चन मार्क करने का या किसी और को पॉइंट प्लेस करने का मौका नहीं मिलेगा। We are discussing our second point. Think as if your life depends on it. When you shift to determined, creative mindset, you begin to discover solutions for challenges that you may have believed on your life control. यहाँ पे एक हम बहुत अहम बात करते हैं कि आप देखें कि अगर हमारे पास अगर हमारी लाइफ में हमारा माइंडसेट पॉजिटिव हो, हमें अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन पता हो तो डेफिनेटली हम एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आएंगे रेदर देन नेगेटिव माइंडसेट। यहाँ पे एक बहुत रियल टाइम एग्जांपल आती है। व्हेन आई जॉइन माय बैंकिंग सेक्टर, आई रिमेम्बर ये मैंने पहले भी एक दो सेशंस में एक दो पहले टॉपिक्स में भी डिस्कस किया था। माय फर्स्ट बॉस टोल्ड मी अबाउट कि नज़र व्हेनेवर यू कम टू मी यू कम विद प्रॉब्लम विद सॉल्यूशन, इट्स अबाउट कि अगर हमारे पास प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होगा वी फील कंफर्टेबल, वी फील रिलैक्स, आवर ओन सेल्फ रीजन बिहाइंड, हमारे दिमाग में नेगेटिव थॉट्स नहीं चलेंगे कि अच्छा आगे से क्या होगा आगे से क्या होगा। सॉल्यूशंस मल्टीपल भी हो सकती हैं, सजेशंस भी हो सकती हैं। इट्स द सेम वे कि अगर आपके पास सॉल्यूशन होता है तो ऑफ कोर्स आपके पास न्यू आइडियाज होते हैं, आपके पास न्यू स्ट्रेटजीज होती हैं और उससे आप अपनी लाइफ को सेव कर रहे होते हैं। ये एक बहुत रियल टाइम एक और एग्जाम्पल भी प्रोफेशनल लाइफ में आती है। जब आप डॉक्टर के पास होते हैं ऑफ कोर्स वहां पर डॉक्टर्स का जो बैच बैठा होता है या जो आपस में ग्रुप बैठे होते हैं वो किसी भी पेशेंट की लाइफ का डिसीजन कंबाइन लेते हैं और जो जूनियर डॉक्टर्स होते हैं सीनियर डॉक्टर्स होते हैं वो आपस में कहना चाहिए ना कंबाइंड मशवरे से चल रहे होते हैं, आपस में एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट उनकी लाइफ होती है। बट पॉइंट ये होता है गेन वो कि उनकी लाइफ का जो माइंड सेट होता है वो चेंज होते हैं, वो क्विक डिसीजन मेकिंग में होते हैं क्योंकि उन्हें पता होता है कि उन्होंने प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाला है। क्योंकि रीजन ये कि अगर प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालेंगे तो उनकी लाइफ में वो पॉजिटिविटी और क्रिएटिविटी नहीं आएगी। अगेन यहाँ पे अगर हम एक और चीज देखें तो प्रॉब्लम जो हमारी प्रॉब्लम्स होती हैं ऑफ कोर्स वो लाइफ और डेथ जैसे सीरियस नहीं होती है। बट ऑन द अदर साइड व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट मेडिकल सेक्टर्स तो मेडिकल में वो लाइफ और डेथ की ही बात होती है तो हम उसको उस हद तक सीरियस लेके जाने। आई रिमेम्बर जब हम लोग यूनिवर्सिटीज में थे
एक टीचर बोर्ड पे लिख देते थे डू आर डाई, इट्स मीन कि आपने वो जो एक्सरसाइज होती थी उसका सोल्यूशन निकालना ही होता था एट एनी कॉस्ट. तो दिस इज अबाउट किससे आपको बहुत एक आपकी लाइफ में एक कहते ना बहुत सुकून और पीसफुल एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाता है कि आपको यू फील अबाउट यू फील कंफर्टेबल योर ओन सेल्फ कि ओके फाइन यू हैव प्रॉब्लम बट विद दिस प्रॉब्लम यू हैव सॉल्यूशन एज वेल. इसलिए हमें प्रॉब्लम से जो है कि अकाउंटेबिलिटी के फैक्टर्स को अगर हम देखें तो हम उस प्रॉब्लम को प्रॉब्लम ना समझे उसको सॉल्यूशन की तरफ आए. व्हेन यू कांट कंट्रोल योर सर्कमस्टेंसेस डोंट लेट योर सर्कमस्टेंसेस कंट्रोल यू, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर. यहाँ पे अगर हम देखें तो एक चीज आती है हमें सबसे हम एज नेशन हमारी थोड़ी सी हैबिट होती है कि हम पास्ट को ब्लेम करते रहते हैं. सेकंड वन ये कि जिन चीजों को हम कंट्रोल नहीं कर सकते हम उनको लेके परेशान होते हैं. सपोज लाइक एक एग्जांपल आती है कि जब अर्थक्वेक होता है तो ऑफकोर्स उसमें हमारी चॉइसेस नहीं होती हैं, वो एक अल्लाह तआला की तरफ से होते हैं. अगर अर्थक्वेक आ गया उसके बाद कुछ कोई मिसहैप हो गया तो लोगों को उसमें एक चीज होती है कि आपस में उस सर्कमस्टेंसेस को कंट्रोल नहीं कर सकते लेकिन उसको अपने ऊपर सवार भी नहीं, उसका सोल्यूशन क्या है. जब ये प्रॉब्लम्स आती है तो लोग उसके सोल्यूशन की तरफ जाते हैं कि उसकी कितना क्विक किया जाए कि लोग उस प्रॉब्लम से बाहर निकल सकें. यहाँ पे मैं हस्बैंड वाइफ की एग्जाम्पल दूंगी कि ऑफकोर्स एक पॉलिटिकल एग्जाम्पल तो नहीं आती बट थोड़ी सी सॉर्ट ऑफ लाइक पॉलिटिक्स सही है कि एक हस्बैंड वाइफ थे, वो हस्बैंड उनके पॉलिटिक्स में थे तो जब उनकी पार्टी इलेक्शन आई तो हस्बैंड आके वहां पे अपने बेड पे लेटकर बहुत सैड हो गए कि जी अब क्या होगा. तो लाइक उनकी वाइफ ने उनको ठीक किया तो उन्होंने अपनी वाइफ डोंट यू थिंक ये टाइम तो मेरे साथ सिंपथी करने के रेदर देन तो मुझे किक कर ले. तो उन्होंने कहा कि मैं इस वक्त किक नहीं करूंगी, इस हालात से निकलना भी आपने खुद ही है. तो हमें उस हालात से निकलने के लिए अपने आप को छुपा नहीं लेना चाहिए या कहीं गुम हो के हम कहेंगे कि अब कोई मोर्चा हो जाएगा. वो चीजें जो ऑटोमेटिकली हो चुकी हैं जिनको हम कंट्रोल नहीं कर सके तो उनको कंट्रोल करने का बेस्ट वे ये होता है कि उसके उस सर्कमस्टेंसेस से बाहर निकला जाए और बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन निकाला जाए. यू हैव गॉट टू वॉन्ट इट मोर देन यू डोंट वॉन्ट इट. एवरीथिंग विल एग्जैक्ट अ सर्टेन प्राइस फ्रॉम यू, एनर्जी, एफर्ट्स, पेशेंस, ये सारे रिसोर्सेज जो हैं हमसे ऑफकोर्स ये नेचुरल रिसोर्सेज हैं बट अगेन एनर्जी जो है वो आपकी अपनी होती है, एफर्ट्स जो है वो भी आपकी अपनी आपकी नेचुरल रिसोर्स है और ऑन द अदर साइड पेशेंस देखा जाए तो ये भी हमारा नेचुरल रिसोर्स है. बट ये सब चीजें भी हमसे कीमत मांगती हैं. कीमत किस सेंस में कि एनर्जी जब हम कोई काम करते हैं तो हम उस पर एनर्जी सर्व कर रहे होते हैं. जब हमने कोई चीज गेन करनी होती है, कोई चीज हमें चाहिए होती है हम उसके लिए एफर्ट कर रहे होते हैं. और इसी तरह हमारे साथ कोई गलत कुछ हो या कुछ हमें हमारे अकॉर्डिंग नहीं हो तो हमें उसको जो बर्दाश्त करना पड़ता है ये सारे नेचुरल रिसोर्सेज है. और हमारी कोशिश होती है कि हम इन रिसोर्सेज पे कम से कम एक्सपेंस करके, एक्सपेंस इन द सेंस कि अगर एनर्जी हमारी नेगेटिव चाहिए तो ऑफकोर्स हमें मेडिसिन वगैरह लेनी पड़ेंगी और हमें कम उस पर लाइक हम उसको पॉजिटिव एनर्जी के थ्रू करें, हम उसको पॉजिटिव एफर्ट के थ्रू करें और पॉजिटिव पेशेंस के थ्रू करें. और इन रिसोर्सेज को हम पॉजिटिव वे से करें ना कि रेदर देन नेगेटिव वे से जाए उसमें. तो डेफिनेटली इन चीजों को हमारी लाइफ पे बहुत इम्पेक्ट आता है. अभी हम जो डिस्कस करते हैं फोर्थ पॉइंट में ये वही एग्जाम्पल आती है कि हम अपना वेट तो रिड्यूस करना चाहते हैं बट अपने वेट को रिड्यूस करने के लिए हम लोग ये नहीं चाहते कि हम कोई एक्सरसाइज करें और उस एक्सरसाइज पे टाइम स्पेंड करें. डेफिनेटली हम अपनी फेवरेट फूड को भी इग्नोर नहीं करना चाहते, वी वांट कि हमने फूड भी वो पूरी ले और हमारा वेट भी कम हो जाए. तो किसी भी सक्सेस को या किसी भी कामयाबी को लेने के लिए हमें अपनी डिजायर्स को और बढ़ाना पड़ता है, हमें अपनी गोल्स को हाई रखना पड़ता है ताकि हम उस चीज को गेन कर सकें.